अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 8, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच एबेकस। यहाँ पर हमें एबेकस दी गई है, उन एबेकस में हमें बीन्स दिए गए हैं, उन बीन्स को हमें काउंट करना है और हमें नीचे जो दिया गया है बॉक्स, उस बॉक्स में हमें नंबर लिखना होगा कि ये जो एबेकस है वो एबेकस कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हमें करती है, वो हमें देखना होगा। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट है ये वाली एबेकस दिखाई दे रही है, तो हमें एबेकस में यहाँ पर उन लोगों ने 3 पार्ट किए हुए हैं। कौन से 3 पार्ट? मैंने आगे बताया था, वंस, टेंस, हंड्रेड। यानी कि यहाँ पर एबेकस के 3 पार्ट हैं। जो सबसे छोटी फिगर होती है उसे वंस में काउंटिंग करते हैं, वंस से बड़ी वाली को टेंस में, और टेंस से बड़ी फिगर हो उसे हम लोग हंड्रेड में काउंटिंग करते हैं। तो ये वाली एबेकस हमें यहाँ पर एबेकस रिप्रेजेंट दी गई है, की गई है यहाँ पर। यहाँ पर एबेकस में हमें बीन्स दिए गए हैं, उन बीन्स को हमें काउंट करना होगा, और यहाँ पर हमें जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स में लिखना होगा कि ये एबेकस हमें कौन सा नंबर दे रही है, या फिर ये एबेकस कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, वो नंबर हमें यहाँ पर ये वाले बॉक्स में लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग पहले वंस के प्लेस पर देखेंगे कि कितने बीन्स है, उसके बाद में देखेंगे टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हंड्रेड के प्लेस पर कितने बीन्स है, और उसके अकॉर्डिंग जो फिगर आएगी वो फिगर हम लोग नीचे बॉक्स में लिखेंगे। ये वाली जो फर्स्ट है उसमें वंस के प्लेस पर कितने बीन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वंस के प्लेस पर है 6 बीन्स। टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो टेंस के प्लेस पर है 4 बीन्स, और हंड्रेड के प्लेस पर है 1 बीन्स। यानी कि अगर हम लोग इन सभी को मिलाए, यानी कि 100 + 40 + 6, यानी कि क्या नंबर बनेगा हमारा, 146। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 146। तो ये हुआ हमारा नंबर। ये नंबर हमने एबेकस में जो बीन्स दिए गए हैं उनको काउंट करके निकाला है। जो सेकंड है उसमें वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टेंस के प्लेस पर है 6 बीन्स, और वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, ओनली 1। तो ये हुई हमारी फिगर 163। ये क्या हुआ, 163। थर्ड नंबर की एबेकस है उसमें वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वंस के प्लेस पर है 8 बीन्स। टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, 3। टेंस के प्लेस पर है 3 बीन्स, और वंस के 100 के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1। तो यहाँ पर हमारी फिगर क्या हुई, 138। उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं नंबर में, नेम में, या फिर उसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, 138। फोर नंबर का जो एबेकस है उसमें कितने वंस के प्लेस पर बीन्स है, 1, 2, 3, 4, तो वंस के प्लेस पर 4। टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, तो टेंस के प्लेस पर आएगा 2, और हंड्रेड के प्लेस पर कितने हैं, ओनली 1। तो ये आया हमारा 124। फाइव नंबर का है उसमें वंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5। टेंस के प्लेस पर कितने बीन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, टेंस के प्लेस पर भी 5 बीन्स है,
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 500 के प्लेस पर ओनली 1 बिन है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। तो ये क्या नंबर हुआ हमारा 155। 6 नंबर के एबेकस देखते हैं, उसमें वंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, उसका मतलब 0। वंस के प्लेस पर कुछ नहीं है उसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 0। टेंस के प्लेस पर कितने बिन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टेंस के प्लेस पर है 8 बिन्स, और जो 100 है 100 के प्लेस पर है 1 बिन। तो ये हमारा हुआ फिगर में, उसे नेम में कैसे, यानी कि कैसे लिखते हैं, हमें नेम में लिखना हो तो 180। 7 नंबर की एबेकस है, उसमें वंस के प्लेस पर कितने हैं, 1। टेंस के प्लेस पर कितने बिन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टेंस के प्लेस पर है 9 बिन्स, और 100 के प्लेस पर है 1 बिन। तो हमारी फिगर क्या आई, 191। कैसे आई, टेंस के प्लेस पर, टेंस का प्लेस यानी कि वैसा प्लेस जहाँ पर उसके पीछे हम लोग कुछ नहीं पुट करते, उसके पीछे कोई जीरो नहीं लगाते। टेंस का प्लेस यानी कि ऐसा प्लेस जिसके पीछे हम लोग 10 पुट करते हैं, और 100 का प्लेस यानी कि ऐसा प्लेस जिसके पीछे हम लोग 20 लगाते हैं, यानी कि 100 के प्लेस पर है 1, तो उसके पीछे आएगा 20। प्लस टेंस के प्लेस पर क्या नंबर है, 9, तो 9 के पीछे आएगा 10। प्लस वंस के प्लेस पर है 1, तो हमारी ये वाली फिगर आ जाएगी। 8 नंबर की एबेकस है, वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रही है, वंस के प्लेस पर क्या है, वह कितने बिन से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर वंस के प्लेस पर है 8 बिन्स, टेंस के प्लेस पर कोई भी बिन नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब हुआ 0। और 100 के प्लेस पर कितने बिन है, 1, तो ये हुआ हमारी फिगर 108। तो ये वाली एक्सरसाइज नंबर 8 हमारी कंप्लीट होती है। तो अब हम देखते हैं आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 9। पुट सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्क्वायर अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन द नंबर्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर हो उसके ऊपर हमें सर्कल करना होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसके ऊपर हमें स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट कौन कौन से नंबर है, फर्स्ट में 89, 169, 107, 183, 148। इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 89। तो ये 89 है, उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, सर्कल। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 169 बड़ा है कि 183 कौन सा बड़ा है, 183। तो उसके ऊपर हमें स्क्वायर करना होगा। तो ये जैसे हमें कहा गया है कि जो सबसे छोटा हो उसके ऊपर सर्कल और जो सबसे बड़ा हो उसके ऊपर स्क्वायर करना है, वो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ सेकंड में हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर है इस वाले में, 127, 139, 148, 156, 177। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस पर हमें क्या करना है, सर्कल। तो छोटा नंबर कौन सा है, 127। और इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 177। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना होगा। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से नंबर है, 121, 111, 141,
161, 191। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 111। तो ये कैसा नंबर हुआ? सबसे छोटा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 191। तो उसके ऊपर हमें स्क्वायर करना होगा। नेक्स्ट है ये फोर नंबर का, वो आप लोग अपने आप ही करना। इसमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में जो सबसे छोटा नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर है उसके ऊपर सर्कल करना है, यानी कि उसके नज़दीक में सर्कल करना है, और जो सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर है उसके ऊपर हमें स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्या है, राइट जस्ट प्रीसेंडिंग नंबर, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स के आगे का नंबर कौन सा है वो नंबर हमें यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया है उसमें लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, प्रीसेंडिंग नंबर यानी कि ऐसे नंबर कि हमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसके जस्ट आगे का नंबर हो उसे प्रीसेंडिंग नंबर कहते हैं, और उसे हमें यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई है उन ब्लैंक्स में लिखना होगा। फर्स्ट क्या है, 130 के जस्ट एक आगे वाला कौन सा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, 130 माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 0 कैंसल आउट होगा, यहाँ पर आएगा 10, 3 कैंसल आउट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 10 माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पर, 9, यहाँ पर 2, ये 1, तो ये कौन सा नंबर हुआ, 129। तो यहाँ पर ब्लैंक है उसमें प्रीसेंडिंग नंबर कौन सा आएगा, 129। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब जो दूसरा है उसमें कौन सा नंबर है, 175। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 175 के आगे क्या आएगा, क्या आएगा वो तो पता चलता ही है हमें, 174। अगर हमें माइनस नहीं करना है तो हम लोग ऐसे सोच कर भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 191 के आगे का नंबर कौन सा होगा, 190। नेक्स्ट क्या है, 149 के जस्ट एक नंबर आगे वाला कौन सा नंबर होगा, 148। नेक्स्ट है 156 के एक नंबर आगे वाला कौन सा नंबर है, 155। कौन सा नंबर, 155। सिक्स नंबर पर कौन सा नंबर है, 117 के आगे का नंबर कौन सा होगा, 116। तो हम लोग इसे कैसे, दो तरीके से लिख सकते हैं, सोचकर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 117 है उसमें से माइनस वन करके जो आंसर आए वो भी हम लोग लिख सकते हैं। 7 माइनस 1 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये आंसर इस आंसर से मैच होता ही है, दोनों तरीक़ों से हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे की जो 7 से 12 नंबर की है वो आप लोग अपने आप ही करना। अब हम लोग देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 11, राइट जस्ट सक्सेंडिंग नंबर, यानी कि ये कैसे नंबर है, जो भी नंबर दिया गया है उसके पीछे वाला यानी कि क्रमिक नंबर दिए गए हैं, जो नंबर दिया है उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा वो हमें लिखना है, यहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है उसमें पहला कौन सा नंबर है, 169। यहाँ पर सक्सेंडिंग नंबर में क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है उसमें प्लस वन करना है, और आगे जो प्रीसेंडिंग नंबर था उसमें क्या करना था, जो भी नंबर था उसमें से हमें माइनस वन करना था। यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें प्लस वन करना होगा, या फिर अपने आप सोच लेना होगा कि ये नंबर है उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर है 169 प्लस वन, तो क्या हुआ, 170, तो यहाँ पर आएगा 170। नेक्स्ट क्या है,
175 है, उसमें अगर हम लोग प्लस वन करें तो कौन सा नंबर आएगा, 176। नेक्स्ट है 132, 132 में प्लस वन करें तो क्या आएगा, 133। नेक्स्ट नंबर है 127, 127 के बाद वाला कौन सा नंबर है, 128। फाइव नंबर पर कौन सा नंबर है, 103। 103 के इसके पीछे वाला यानी कि उसके पीछे कौन सा नंबर है, 104। और नेक्स्ट क्या है, 140। 140 के बाद वाला कौन सा नंबर है, 141। वैसे ही हमें 7 to 12 तक के अपने आप ही करने होंगे। सक्सेंडिंग ऑर्डर यानी कि सक्सेंडिंग नंबर यानी कि ऐसे नंबर कि जो नंबर दिए गए हैं उनके पीछे जो नंबर आता हो वो हमें यहाँ पर ब्लैंक में लिखना होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 12। राइट द मिडल नंबर, यानी कि इस तरफ हमें नंबर दिया है, इस तरफ नंबर दिया है और मिडल में हमें ब्लैंक दी गई है। तो मिडल में जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें आगे वाले और पीछे वाले उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता होगा वो हमें लिखना होगा। फर्स्ट क्या है, 106, बाद में है ब्लैंक और उसके बाद में है 108, यानी कि हमें देखना होगा 106 एंड 108 उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 107। तो ये हुआ हमारा आंसर 107। और ये जो नंबर है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिडल नंबर। नेक्स्ट क्या है, 117 और उसके बाद में ब्लैंक है और उसके बाद में कौन सा नंबर है, 119। 117, 119 उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 118। तो ये हुआ मिडल नंबर। नेक्स्ट क्या है, 138, उसके बाद में है ब्लैंक और उसके बाद में नंबर है वो कौन सा है, 140। तो उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता होगा, 138 एंड 140 के बीच में 139। तो ये जो 139 है वो है हमारा मिडल नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली, 158 नंबर दिया गया है एंड 160 नंबर दिया गया है, तो उन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 159। नेक्स्ट है 166, यहाँ पर नंबर है 168। 166, 168 उन दोनों के बीच का कौन सा नंबर है, 167। तो ये मिडल नंबर हमें यहाँ पर जो भी आते होंगे वो लिखने होंगे, बाकी के आप लोग अपने आप ही कर लेना। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 13। राइट नंबर इन एसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर जिस ऑर्डर में जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर को हमें क्या करना होगा, नेम देना होगा, ए बी सी डी वाइज वैसे नेम देना होगा। उसमें जो सबसे छोटा नंबर हो उसे पहले लिखना होगा और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा। पहले से जो थोड़ा सा बड़ा हो उसे इधर लिखना होगा, इस वाले से थोड़ा सा बड़ा हो उसे इधर लिखना होगा और इस वाले से
थोड़ा सा बड़ा हो उसे इधर लिखना होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा। एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर जिसमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा। यहाँ पर कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, 148, 184, 174, 104, 164। इन सभी नंबर में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 184। 184 सबसे बड़ा नंबर है यानी कि उसे हमें यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 104, जो सबसे छोटा नंबर है उसे यहाँ पर पहले लिखना होगा। तो ये हो गया 104 और ये हुआ 184। अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा कि 104 से इन तीनों में यानी कि ये जो तीन हैं उन तीनों में 104 से बड़ा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 104 से थोड़ा सा बड़ा, ये वाला कौन सा है, 148। यहाँ पर लिखना होगा 148। 148 से कौन सा बड़ा है, 164 या 174। तो 148 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 164। तो ये आएगा और उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, 174। तो ये हमारा एसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट कौन सा आया, 104, उसके बाद में 148, उसके बाद में कौन सा नंबर आया, 164, उसके बाद में कौन सा नंबर आया, 174, एंड लास्ट में कौन सा नंबर आया, 184। यहाँ पर हमने क्या किया, जो नंबर सबसे छोटा था उसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी और जो सबसे बड़ा नंबर था उसे हमने लास्ट प्रायोरिटी दी। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से नंबर है, 105, 150, 160, 140, 130। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर तो ये दिखाई दे रहा है हमें, और इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 160। हमें ये नहीं देखना हो तो हम लोग नंबर वाइज इसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी दे सकते हैं। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसे देंगे नंबर 1, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसे देंगे नंबर 2, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसे देंगे नंबर 3, उसके बाद का जो थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा उसे देंगे नंबर 4, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे देंगे नंबर 5। अब हम लोग यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5 के ऑर्डर में आया वैसे हम लोग यहाँ पर ब्लैंक में लिख देंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला आएगा, यहाँ सेकंड नंबर आएगा, यहाँ पर थर्ड आएगा, यहाँ पर फोर्थ नंबर आएगा, यहाँ पर फिफ्थ नंबर वाला आएगा। तो फर्स्ट नंबर वाला कौन सा है, 105, सेकंड पर है 130, थर्ड पर है 140, फोर्थ नंबर पर है 150 और फाइव नंबर पर है 160। तो ये जो ऑर्डर हुआ वो कौन सा ऑर्डर हुआ, एसेंडिंग ऑर्डर। जो ये थर्ड नंबर वाली है एसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपने आप ही करनी होगी। एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कैसा ऑर्डर, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। अब हम देखते हैं आगे की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 14। राइट द नंबर इन कैसा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कैसा ऑर्डर, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो
लास्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और जो सबसे छोटा है उसे लास्ट प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं। 174, 136, 180, 181, 163 कौन कौन से नंबर है फिर से। 174, 136, 118, 181, 163। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 118। 118 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 181। राइट, तो जो सबसे छोटा नंबर है उसे यहाँ पर लास्ट में लिख देना होगा और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे यहाँ पर पहले लिख देना होगा। तो कौन सा है, 181। अब हमें क्या देखना है, 181 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है वो हमें लिखना होगा। तो कौन सा नंबर है, 174। 174 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, 163। 163 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, 136। तो ये जो आंसर आया वो कौन से ऑर्डर में आया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेकंड नंबर में। यहाँ पर हम लोग कैसे दूसरे कैसे तरीके से कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा है उसे फर्स्ट नंबर देके यानी कि नंबरिंग देके भी हम लोग कर सकते हैं। ये कौन कौन से नंबर है, 130, 103, 170, 107, 180। इन सभी में सबसे बड़ा नंबर है उसे नंबर वन देंगे, उससे थोड़ा सा छोटा है उसे नंबर टू देंगे, टू नंबर है उसे थोड़ा सा छोटा नंबर है उसे देंगे नंबर थ्री, नंबर थ्री है उसे छोटा सा नंबर है उसे देंगे नंबर फोर, और जो सबसे छोटा नंबर है उसे देंगे नंबर फाइव। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर में लिख देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा जो सबसे बड़ा होगा और जो 5 नंबर पे आएगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि 180 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, 103, और यहाँ पर क्या आएगा, 170, यहाँ पर क्या आएगा, 130, यहाँ पर क्या आएगा, 107। तो यहाँ पर हमने देखा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर जहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक